टूल किट पर हंगामा मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। 2-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कांग्रेस टूल किट के नाम पर आसमान सर पर उठा रहे थे, अब उन्हें अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि ट्विटर इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा व शेफाली वैद्य के ट्विटर अकाउंट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दे दिया है। उनके कांग्रेस टूलकिट से संबंधित जितने भी ट्वीट थे उनको मैनिपुलेटेड मीडिया बताया गया है। भाजपा नेता संबित पात्रा के लिए यह पहला मौका नहीं है, उन्हें इससे पहले भी मैनिपुलेटेड मीडिया का खिताब मिल चुका है। ट्विटर की इस कार्रवाई के साथ ही कांग्रेस ने भी संबित पात्रा और भाजपा नेताओं को अदालत में खींचने का ऐलान कर रखा है। अदालत की कार्रवाई क्या होगी, कब फैसला आएगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होश इसलिए भी उड़े हुए हैं कि देश के हजारों लाखों उन नागरिकों के सामने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे लोग जो मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में शुचिता की राजनीति करती है, झूठ नहीं बोलती है, वो सारे लोग ये मान गए हैं कि कोरोना महामारी के दौर में जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे थे उनसे बचने के लिए भाजपा ने झूठ और प्रपंच का सहारा लिया है। कोरोना महामारी के इस दौर में भाजपा नेताओं ने एक बार फिर वही दांव अपनाया जो मुश्किल के हर वक्त में उनका पहले से मददगार बनता रहा है। भाजपा जब भी किसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ी दिखती है तो वो विदेशी साजिश, ISI, चीनी एजेंडा आदि का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। किसान आंदोलन के दौर में भी भाजपा नेताओं का यही तरीका दिखने को मिला, जब आंदोलन करने वाले किसानों को खालिस्तानी बताया गया, ISI समर्थक बताया गया और इस तरीके से विदेशी साजिश उसमें भी बताने की कोशिश की गई। ऐसा ही मामला इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के IT सेल ने कोरोना महामारी के समय पर भी किया। कोरोना महामारी को और कुंभ मेला आयोजन को लेकर भाजपा की ओर से बताया गया कि कांग्रेस ने एक ऐसी टूल किट जारी की है जिसमें कोरोना महामारी और कुंभ मेला आयोजन जैसे मुद्दों पर एक संदेश दिया गया है कि इस तरीके से दुष्प्रचार किया जाए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए, हिंदू मन जनमानस को बदनाम किया जाए। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो इस मुद्दे पर TV चैनलों ने भी इस पर डिबेट करा डाली। केंद्र सरकार के मंत्रियों डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल के अलावा भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टूल किट का प्रयोग कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस टूल किट के आधार पर ही कांग्रेस समर्थक पत्रकारों, विभिन्न वर्ग से आने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाए हैं वो सब टूल किट के आधार पर ही सवाल उठाए जा रहे थे। भाजपा ने कहा कि टूल किट के आधार पर ही लोगों ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया। टूल किट में चूंकि बताया गया था कि कोरोना के इंडियन वेरिएंट को मोदी वेरिएंट बताया जाए, टूल किट में कहा गया था कि कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर बताया जाए, ईद की भीड़ की फोटो का इस्तेमाल ना किया जाए सोशल मीडिया पर, इसी तरह जो लोग कोरोना पीड़ित हैं और किसी तरीके की मदद मांग रहे हैं तो उन्हें वही मदद आगे बढ़ाई जाए, उसी संदेश को आगे बढ़ाया जाए जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को टैग किया गया हो। तो इसी तरीके की टूल किट का जिक्र करके भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि एक ऐसी टूल किट है जिसके जरिए कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है। एक अलग गलत तस्वीर भी देश की पेश की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है लोगों को कि अंतिम संस्कार वाली फोटो को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के सवाल खड़े किए जाएं, इसे देश के गौरव से न जोड़ करके देश के लिए अपमान बताया जाए, देश के लिए भार बताया जाए, देश के लिए शोक बताया जाए, इस तरीके का कांग्रेस टूल किट तैयार हुई है और उसी टूल किट के आधार पर ही सोशल मीडिया पर तमाम चर्चा हो रहे हैं। भाजपा के नेता संबित पात्रा ने बार बार ये कहा कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हो रहा है, जो भी मोदी सरकार के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, भाजपा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सब कांग्रेस की टूल किट के आधार पर हो रहा है और एक साजिश का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टूल किट का जो आरोप लगाया गया इससे कांग्रेस खेमे में भी बेचैनी हुई और कांग्रेस की ओर से इसका खंडन किया गया। कांग्रेस ने बार बार कहा कि ये उसकी तरफ से कोई टूल किट जारी नहीं की गई है, ये फर्जी पत्र हैं जिनको सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता यह मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार ट्विटर इंडिया की पड़ताल में और कुछ मीडिया संस्थानों की पड़ताल में यह साबित हो गया है कि जो भाजपा की ओर से टूल किट कांग्रेस की बताई जा रही थी वो पूरी तरह फर्जी है।
कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है और कांग्रेस के जो पहले के डॉक्यूमेंट है, पहले के जो पत्र हैं, उनमें भी इस तरीके के फॉन्ट का ना तो इस्तेमाल किया गया है, ना तो उस तरीके की उनके लेटर हेड इस तरीके से बने हुए हैं। तो अब इन्हीं सारे तथ्यों के सामने आने के बाद ट्विटर इंडिया ने मैन्युपुलेटेड मीडिया का खिताब दिया है भाजपा को और ये बताया है कि ये टूल किट फर्जी है। ऐसे में अब एक बार फिर ये बहस शुरू हुई है, लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ट्विटर इंडिया को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति रहते हुए ट्विटर पर फर्जी सूचनाएं जारी की और इसके बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। बहरहाल ट्विटर इंडिया क्या कार्रवाई करेगी, अदालत में अगर कांग्रेस जाती है तो उसका फैसला किस तरह से आएगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोरोना महामारी की बदइंतजामी का ठीकरा फूटने से भाजपा खेमे में बेचैनी है। ऐसे में पाप की गठरी किसी दूसरे के सिर टिकाने की कोशिश की जा रही है। कभी राजनीतिक शुचिता का ढोल पीटने वाली भाजपा अब पूरी तरह से छल प्रपंच के कारोबार में उतर चुकी है। उसे लोगों को गुमराह करने वाली टूलकिट और झूठ से कतई परहेज नहीं है। इसके लिए भाजपा के पास न नेताओं की कमी है और न टूलकिट बनाने वालों की। ऐसे में सतर्क रहने का दायित्व तो भी अब देश के जिम्मेदार नागरिकों का है कि वह झूठी टूलकिट और राजनेताओं के झूठ से बच कर रहे, क्योंकि नेताओं ने सच बोलना छोड़ दिया है और लाज उन्हें नहीं आती। न्यूज ट्रैक के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।